शेष हो पारे कोटि कोटि भक्तों अपेक्षा छतसा निजोग सुपारिश पर एवं सरकार कोर्टे बल जदि सबकि ठीक रुहे तेज डिसेंबर 22 रु श्रद्धालु खोली पारे बड़ दौल द्वार किंतु पूरी बाहर श्रद्धालु नेगेटिव रिपोर्ट सह जनवरी 3 को अपेक्षा करने को हे तेज संपर्कित अधिक सूचना पर आम सहित पूरी सीधा सड़क जोड़ी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक जहाँ सूचना आसी कि शेष हो पारे कोटि कोटि भक्तों अपेक्षा अर्थात किंतु क्योंठा क्योंठ ये सब भितर जहाँ घटना जाणीछे कि पूरी बाहर जो लोक मैंने अच्छा जो भक्त मैंने अच्छा क्योंठना क्यों दुख अच्छी पूरा प्रतिक्रिया कौन आसुच्छे अधिक अपडेट कौन अच्छे कोटी जगन्नाथ प्रेमी गोटे खुशी खबर खोल श्रीमंदिर आव जगार दर्शन कितु सबकि हम करोना कटक भितर ठीक यही एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति गत काली छतीसा निजोग बैठक में निया श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जी रही डॉक्टर कृष्ण कुमार सी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आस चलित मस 22 तारीख रु 25 तारीख भितर श्रीमंदिर खोल एवं प्राथमिक भाव में पूरी लोक परीक्षामूलक भाव में श्रीमंदिर को छड़ा एवं 1 तारीख 2 तारीख जेहेतु जानुरी 1 और 2 प्रबल भक्तों भिड़ जमी से ही दृष्टि श्रीमंदिर को बंद कर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति होती सर्वसाधारण दर्शन अर्थात पूरी बाहर लोकों पर तारीख रु दर्शन व्यवस्था जारी रुँचु कोविड 19 तमाम कटक मानवाक पड़ो सामाजिक दूरत बजाय रखिए मुहर में मास्क पिंधे और श्रीमंदिर चारिदुआर सानिटाइजर रोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना होगी पूरी बाहर जो लोक मैंने आसवे तीन तारिख रु से कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होता दरकार तो निश्चित भाव में आम कहीपर कौटना कौटि जगन्नाथ प्रेमी खुशी खबर पूरीवासी खुशी खबर आम प्रतिक्रिया ना आम सहित किसी अच्छा बाहर जात्री अच्छा से मैम आपका परिचय पहले दीजिए आप कहाँ से आए हैं बिहार से छपरा जिला से गोपाल से खुश है आप 3 तारीख को मंदिर खुलेगा लेकिन आपको टेस्टेड नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा जब हमको कोरोना नहीं है तो मैं क्यों लाऊं जब हमको कोरोना नहीं है तो नेगेटिव क्यों लाऊं हूं मैं लेकिन ये तो मंदिर प्रशासन का नियम है जो आप कोरोना टेस्टेड नेगेटिव रिपोर्ट लाएंगे तो मंदिर के अंदर घुसेंगे मेरे पास कोई बीमारी नहीं है मैं टेस्ट नहीं कराई हूँ निश्चित भाव में प्रतिक्रिया जहाँ बिस्मी शुणुते लोक सीधा साल प्रतिक्रिया जदि कोरोना नहीं टेस्ट कौन पर आहरी आलोचना करवा सर क्या कहेंगे मंदिर 3 तारीख को खुलेगा आप लोगों के लिए पहले बताइए आप कितने खुश हैं क्योंकि 8 महीने हुआ है आप महाप्रभु को दर्शन नहीं किया है लेकिन 3 तारीख से मंदिर खुलेगा किंतु लेकिन थोड़ा कटकड़ा है थोड़ा टेस्टेड नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा आपको अरे तुम कैसे नेगेटिव लाऊंगा हमको कोरोना है ये नहीं है कोई प्रकार का दिक्कत है ये नहीं है हम लोग बिहार से आए हैं गोपालगंज जिले से आए हैं तो हम लोग कैसे हम यहाँ पर अथी करेंगे हम लेकिन आप जब मंदिर के अंदर घुसेंगे तो नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा ना आपको तो कोई बीमारी नहीं है मेरे पास तो कहाँ से हम नेगेटिव अथी लाएंगे रिपोर्ट नहीं लाएंगे तो आप मंदिर के अंदर भी नहीं घुसेंगे ये तो मंदिर का नियम है हाँ तो गलत नियम है मंदिर का गलत नियम है तब हम क्यों नहीं घुसेंगे मंदिर में आना चाहिए हम लोगों को क्या आप गवर्नमेंट से अपील करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा और विचार किया जाए हाँ हाँ इसके लिए गवर्नमेंट अपना विचार करे कि पहले खुले मंदिर लेकिन जो मंदिर 3 तारीख का खुला होगा आपके लिए कितने खुश है लेकिन क्योंकि आप 8 महीने के अंदर 8 महीने के ज्यादा हो गए आप महाप्रभु के दर्शन नहीं ज्यादा हो गया 8 महीना दिन बहुत हो गया हम लोग बिहार से आए हैं कोई भगवान का दर्शन होगा दर्शन अभी तक नहीं मिला अपना प्रतिक्रिया सुनुले बिहार रु आसी माने भक्त माने श्रद्धा माने कि सीधा साल प्रतिक्रिया रखुच्च जेहेतु से कोरोना होना से माने टेस्टेड नेगेटिव रिपोर्ट कौन पर आने अर्थात से माने कोरोना टेस्ट कौन पर आहरी आलोचना करवा मैम आप यूपी से आए हैं पहले बताइए 3 तारीख को मंदिर खोला गया ये कितने खुशी का माहौल है आपका खुशी की बात है बाकी हम लोग को कोरोना नहीं है तो क्यों नहीं हम लोग को दर्शन मिल रहा है इतना पैसा खर्चा कर हम लोग आए हैं आप दर्शन मिल जाता तो और बढ़िया रहता लेकिन ये प्रशासन के तो नियम है ना ये प्रशासन के नियम आज है गलत नियम है हम लोग को दर्शन मिलना चाहिए लेकिन और भी थोड़ा नियम है आप जो मंदिर के अंदर जाएंगे आप मास्क पहनेंगे सैनिटाइजर करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे आप करेंगे ये सब वो तो ठीक है वो ठीक है बाकी और नियम गलत है अधिक आलोचना करिए सर कैसे देखती है मंदिर प्रशासन का ये नियम को मंदिर का नियम गलत है इसलिए कि जो है
हर जगह जब शादी विवाह हो रहा है लोग जुट रहे हैं और बस में कोई मास्क का कोई अथि नहीं प्रदान नहीं है, तो फिर यहाँ पे होने की क्या जरूरत है। हर जगह जैसे मान लीजिए कि कॉलेज भी खुल ही गया और शादी विवाह हर जगह अब मार्केट भी वैसे खुल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आप यूपी से आए हैं, यूपी के जो मंदिर है वहाँ पर क्या टेस्टेड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद आप जाते हैं? वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर कोई नियम नहीं है, नेगेटिव दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं है। मैं आप और एक बात पूछूंगा, 22 तारीख ये जो 22 तारीख है, ये 22 तारीख को पूरी वासी के लिए 22 तारीख को खुला हुआ दर्शन, लेकिन आप लोगों के लिए 3 तारीख, ये मतभेद क्यों है? यह तो भेदभाव है ना, यह तो भेदभाव की बात हुई। अगर नागरिकता सम्मान मिलना चाहिए तो सबको एक बराबर मिलना चाहिए, अगर भारतीय है तो भारतीय आगे तो सब समान है ना। हाँ तब वही तो सबको जैसे माने जो भारतीय है उनको सब एक समान मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अलग प्रशासन हो वहाँ अलग हो, प्रशासन कह रहे हैं कि पहले पूरी वासियों को मंदिर जाने के लिए परमिशन देंगे और आप लोगों के लिए 3 तरीके हो जाएंगे। वही ना भेदभाव की नीतियाँ, वही तो राज्य सरकार जो भेदभाव की नीतियाँ कर रही है। हमको समान नागरिक को चाहिए कि सबको एक समान देखे, थोड़ा विचार करना चाहिए राज्य सरकार को और मंदिर प्रशासन को। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन को विचार करना चाहिए और मंदिर प्रशासन को सबके लिए समान जो सहायता वो समान मिले सबको। निश्चित विस्मय आपड़ प्रतिक्रिया शुणुले सबुरी महल भक्त महल में गोटे प्रकार उद्वेग सृष्टि होती, कारण जो मैंने आसी पूरी बाहर आसमर से गोटे प्रतिक्रिया रोचे कि भाव से जब करोना होना से किभली भाव में टेस्टेड नेगेटिव रिपोर्ट देखे। और सब बड़ कथ हूँ जदि 22 तारिखर पूरीवासियों श्रीमंदिर खोल जाऊँगी तेज 3 तारिख में कौन पर भक्त श्रद्धा सर्वसाधारण श्रीमंदिर खोल मुझे ताजा दृश्य देखे चाहिए। जेहतु विस्मय आप जानते 22 तारिख रू परीक्षामूलक भाव 31 तारिख संध्या पर्यटन पूरीवासी छड़ा देखु सामियाना तो संपूर्ण प्रस्तुत हो जाटे भक्त श्रद्धा मैंने आसवे लाइन में आसवे किंतु कम बर्तमान युद्धकालीन भितर चलती जेहेतु विस्मय हाथ में खूब कम दिन समय रही सात आठ दिन समय रही से युद्धकालीन भितर कहीपर कम जोरसोर चलती गुरुत्वपूर्ण आलोक आप तार चित्र देखा सब बड़ कथ है सब भितर छत्तीसगढ़ निजग्रह सुपारिश पर सरकार कोर्ट में बल एवं स्थित जेहेतु जहाँ सूचना डिसेम्बर 22 रु श्रद्धालु खोली पारे बड़ दोल अर्थात पूरीवासी जी एवं जो मैंने पूरीर बाहरवासी अच्छा से मैंने डिसेम्बर 3 रे जी बोली जहाँ सूचना रही क्षमा करेंगे जानुरी 3 रे से माने जो कह बड़ दोल को जगन्नाथ दर्शन करेंगे जहाँ सूचना रही। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आप समस्त सूचना पाई।